आईपीएल 2024 का चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए सफर तो खत्म हो चुका है, लेकिन गाइस अगर एक तरीके से देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो असली सफर की तैयारी है वो अभी से स्टार्ट होती है, क्योंकि अब जो बारी है वो मेगा ऑक्शन की, यानी कि काफी बड़ा नीलामी यहाँ पे होने वाला है। इसको मैं नहीं बल्कि चेन्नई की टीम ही टीज करती हुई नजर आ रही है, इनकी जो की मेन जो मैनेजमेंट है वही टीज करती हुई नजर आ रही है। और ना सिर्फ ये काम हो रहा है बल्कि एमएस धोनी के अगले सीजन में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इस पे भी काफी बड़ा सबूत निकल के हमारे हाथ में आ चुका है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा न्यूज निकल के आ रही है और कुछ बातें भी बताने वाला हूं जो कि आरसीबी के फैंस की तरफ से निकल के आए। बेसिकली आपको करना क्या है, वीडियो को अभी लेके पूरा इंटरव्यू तक देखना, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए एक बार नीचे देख लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट से ये जो फैमिली है इसका नंबर बड़ा करिए और फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में, और गाइस जो सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि क्या एमएस धोनी आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इस पे सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। और गाइस आपको एक चीज याद होगा कि एक बार एक फैन जो था चेन्नई जो कि एमएस धोनी का ही फैन था वो अचानक से ग्राउंड पे आ गया था और एमएस धोनी के उसने पैर भी छुए थे और उसके बाद अरेस्ट उसको किया गया, लेकिन अब वो फाइनली यहाँ पे बेल उसे मिल चुकी है, ये जो अरेस्ट हुआ था उससे पूरी तरीके से रिहा हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने काफी बड़ा बयान दिया है कि आखिर वो एमएस धोनी के पास जाने के बाद क्या चीजें बोली थी और बोली भी थी और एमएस धोनी ने क्या रिप्लाई किया था, इस पे भी काफी बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। तो उस बंदे का जो नाम था वो जय जानी नाम था, उन्होंने कहा था कि जब वो एमएस धोनी से मिले थे तो उन्होंने कहा था आई टोल्ड माही भाई टू प्ले वन मोर सीजन फॉर द फैंस एंड माही भाई पुट हिज हैंड ऑन शोल्डर एंड सेड ओके आई विल सी नाउ यू गो। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि एमएस धोनी के से ये मिले थे, एमएस धोनी से मिलने के बाद इन्होंने सीधा सीधा वही चीज मैंने आपसे बहुत पहले भी कह दी थी, टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो वही चीज मैंने कहा था कि ये बंदा अगर एमएस धोनी से मिला होगा तो सिर्फ एक ही सवाल का किया होगा कि क्या एमएस धोनी आप अगले सीजन में खेलने वाले हैं, नहीं खेलने वाले तो प्लीज हम फैंस के लिए खेल लीजिए, यही सेम सवाल मुझे लग रहा था कि पूछा होगा और सेम वही चीज इसने जवाब दिया। और इन्होंने यही कहा है कि मैंने यही कहा था कि एमएस धोनी आप अगला एक सीजन और खेल लीजिए सिर्फ फैंस के लिए, तो एमएस धोनी ने कहा ठीक है मैं देखूंगा लेकिन अभी आप जाइए। यानी कि इसका साफ साफ मतलब है कि फैंस के लिए ऐसा हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यहां पे एमएस धोनी एक सीजन खेलते हुए नजर आ सकते हैं, एक और सीजन बस ये लास्ट सीजन हो सकता है एमएस धोनी का। और मेरे हिसाब से यही लगता हुआ नजर है कि एमएस धोनी एक और सीजन चेन्नई के लिए जरूर से खेलते हुए नजर आएंगे, जिसकी की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई हैं और ये जो चीजें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। दूसरे चीज के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक काफी बड़ा पोस्ट और एक काफी बड़ा दिक्कत जो कि काफी तेजी से इस टाइम पे मार्केट में घूमता हुआ नजर आ रहा है, और ये है कि आखिर एमएस धोनी को बताया जा रहा है कि ये सेल्फिश टाइप का इन्होंने एक्ट किया था और जब ये मुकाबला हारे थे तो आरसीबी के प्लेयर से हैंडशेक नहीं किया था और वो उसी टाइम पे वहां से चले गए थे। अब इसका मैं पर्दाफाश करता हूं कि आखिर चीजें क्या हुई थी और एमएस धोनी उस टाइम पे क्यों वहां पे बिना हैंडशेक किए आरसीबी के प्लेयर्स के साथ चले गए थे। तो मैं अगर बात करूं तो आरसीबी की टीम जब कल मुकाबला जीती थी तो आपने देखा था कि उनका जो रिएक्शन था और जो एक इन्वायरमेंट और खुशी का जो इजहार उन्होंने किया था वो एक अलग ही लेवल पे चले गए थे, और उसके वजह से बात कर लिया जाए तो वो लगातार सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसके बाद सीएसके के टीम्स और एमएस धोनी जब वो हैंडशेक करने के लिए ग्राउंड पे खड़े थे एक लाइन बना के, तो उस टाइम पे उन्होंने 5 से 10 मिनट तक का वेट किया था उनके प्लेयर्स का, बट कोई भी प्लेयर यहाँ पे आरसीबी के प्लेयर्स आते हुए नजर नहीं आए थे, वो सेलिब्रेशन में ही लगातार जुड़े थे, ऐसा लग रहा था कि भाई उन्होंने ट्रॉफी ही जीत ली है, उस तरीके का सेलिब्रेशन कर रहे थे। और उसके बाद एमएस धोनी ने काफी लंबा वेट किया और जब वो प्लेयर्स आए नहीं थे उसी टाइम पे एमएस धोनी ने कट लिया, वहां से चले गए, उनके जो भी सपोर्ट स्टाफ थे जो भी मेंबर्स थे उनसे हैंडशेक एमएस धोनी ने किया था, बट प्लेयर्स जब आए नहीं वेट करने देर तक वेट करने के बाद भी जब प्लेयर्स नहीं आए थे तब एमएस धोनी भैया वहां से चले गए, इसलिए वहां पे वो रुके नहीं थे, सीधा उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ यहाँ पे चल दिया था। और ये पूरा जो कि जवाब है वो सामने निकल के आ रहा है, काफी लोग हाइप बढ़ा रहे हैं एमएस धोनी ये कर गए सेल्फिश हैं ये काम कर गए, तो मैं ये चीजें आपसे क्लियर कर दे रहा हूँ कि आखिर असली मैटर था क्या, वो चीजें नहीं थी जो आप सोच रहे हैं और आपको बताया जा रहा है, जो चीजें असली थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है।
अब इस पे कोई भी आगे बात करे, सवाल करे, तो ये क्लिप आप उठा के उसको दिखा दीजिएगा। अगली चीज के बारे में बात करें, लेकिन उसके पहले बात करूं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब मेगा ऑप्शन की चीजें आ गई है। मेगा ऑप्शन है तो आप समझ सकते हैं कि चीजें और तैयारी काफी नए लेवल पे चलती हुई नजर आएगी। तो इसलिए मैं आपसे बस यही कहूंगा कि हमारे एडमिन्स लगातार जुड़े हैं, सब लोग लगातार जुड़े हैं, तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपके लिए स्पेशली कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगली चीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेगा ऑप्शन आ चुका है भैया, मेगा ऑप्शन आ चुका है और चेन्नई के मैनेजमेंट ने इसे टीज कर दिया है। आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है आफ्टर एवरी सेटबैक देयर इज अ रोरिंग कमबैक। इसका साफ साफ मतलब है कि एक सीजन अगर आपका सही नहीं गया, बेसिकली चेन्नई के लिए तो सही गया, फिर एक अंतिम मुकाबला जीत जाते तो काम हो जाता, नहीं जीते कोई बात नहीं भैया, आप हर साल ट्रॉफी नहीं जीत सकते, हर साल आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकते, एक सीजन आपको देखना पड़ेगा और आपको टीम को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि हर एक सेटबैक के बाद काफी बड़ा रोरिंग कमबैक चेन्नई करती है, मेगा ऑप्शन विल बी देयर, यानी कि इसका साफ साफ मतलब है कि मेगा ऑप्शन है और चेन्नई के पास जो कमियां थी, मैं वीडियो बनाऊंगा भैया, वीडियो तगड़ी आने वाली, एक एक स्पेशलाइजेशन, एक एक चीज पे कमियों पे बात होगी और उस पर कौन से प्लेयर फिट बैठेंगे, सब चीजों के बारे में बात होगी, इसलिए कर रहा हूँ टेलीग्राम और वीडियो सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वही बात करूं कि ये दिक्कत आपको चलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे यही बात है कि मेगा ऑप्शन को टीज किया गया है इनके ऑफिशियल्स के द्वारा और बताया गया है कि हम जो कमियां करके आए हैं अब वो कमी दोबारा नहीं होगी। अगली चीज के बारे में हम लोग बात करें तो ये जो सामने चीजें निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आरसीबी के फैंस को लेके। टीम तो भैया आपको मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बताया था कि उनके जो फैंस थे अलग ही जोन में चले गए थे, खुशियों का इजहार लगातार, प्यार लगातार करते हुए नजर आ रहे थे, टीम तो करती हुई नजर आए थे, लेकिन इनके फैंस एक नेक्स्ट लेवल भी पहुंच गए थे। इन्होंने कुछ ऐसी एक्ट किया था जो कि ठीक नहीं कहा जाएगा क्रिकेट के लैंग्वेज में, क्योंकि जब उन्होंने मुकाबले जीते थे तो उसके बाद जब चेन्नई के फैंस, बेसिकली होम ग्राउंड चिन्नास्वामी का था, तो चिन्नास्वामी का था तो वहां पे आरसीबी के फैंस ज्यादा थे, तो आपको ही पता है। तो जब यहाँ पे आरसीबी की टीम ने मुकाबला जीता तो उनके फैंस जब जा रहे थे तो कुछ क्लिप इस तरीके का वायरल हो रहा था कि उनके फैंस को काफी ज्यादा टीज, काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। बेसिकली दो तीन फैंस के तो सीएसके की जर्सीज पहनी थी तो जर्सीज भी फाड़ दिया था, यानी कि एक जो कि बुरा एक्ट किया जा सकता है वो कर रहे थे। अब वो पता नहीं किस बात की चीजें थी, मुझे नहीं समझ में आई थी, क्योंकि आप अभी प्लेऑफ में क्वालिफाई ही किए हैं, अभी आप यहाँ पे आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीते हैं कि इतना ज्यादा आपने चीजों को बफर कर दिया, आपने फैंस तक को, यानी कि एक फैंस जो कि बात किया जाए तो वो आरसीबी का फैन है, वो चेन्नई के फैंस की ही जर्सी फाड़ता हुआ नजर आ रहा है, परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, उसको जो कि व्यंग बातें बोली जाती हैं वो बोलता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप कम से कम एक हफ्ते या दो हफ्ते बाद आप क्या करेंगे, जब वर्ल्ड कप आएगा तो आप आपस में ही मेल खाएंगे, आप आपस में ही एक टीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब ये बातें आती हैं तो आप प्लेयर्स तक और ग्राउंड तक ही सीमित रहिए ना, आप ट्रैफिक जाम कर दिए, पूरी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करिए, पर उसकी भी एक लहजा, एक नियम और एक तहजीब होती है जो कि आप कर सकते हैं वो चीजें, बट आरसीबी के फैंस ने उसे एक नई लेवल पे ही पहुंचा दिया और चीजें इनके लिए, चेन्नई के फैंस के लिए खासकर, काफी ज्यादा चीजें खराब कर दी थी, वियर्ड कर दी थी, जिसकी वजह से चीजें नुकसानदायक ही दिख रही थी यहाँ पे चेन्नई के फैंस के लिए। तो वही चीज सामने निकल के आई थी, एक्ट मैंने टेलीग्राम पे भी बता दिया था क्या क्या चीजें हुई थी, बुरी से बुरी चीजें की गई थी, तो उसको मैंने आपको सब शो कर दिया टेलीग्राम पे, बट ये चीजें की गई थी जो कि दिक्कत होता हुआ नजर आ रहा था, इनके फैंस को ज्यादा ही मेंटली टॉर्चर किया गया था, जो कि चीजें मैंने आपको बता दिया। अगली चीज के बारे में बात करें तो प्लेऑफ की पूरी शेड्यूल आ गई है भैया, प्लेऑफ की पूरी शेड्यूल आ गई है, शेड्यूल मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। पहला क्वालिफायर 21 तारीख को 21 मई को खेला जाएगा, जो कि केकेआर और एसआरएच के बीच में होगा, और एलिमिनेटर जो होने वाला है वो आरसीबी और आरआर के बीच में 22 तारीख को खेला जाएगा, यानी 21 को पहला क्वालिफायर और एलिमिनेटर जो खेला जाएगा वो 22 को खेला जाएगा, आरसीबी और आरआर के बीच में होने वाला है। तो गाइस ये था पूरा शेड्यूल, ये था पूरा न्यूज जो कि आज के डेट में निकल के आया था, मैंने आपको बता दिया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो चीजें आई थी वही मैंने आपको बताया, बट चीजें देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लिया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दिया। चलिए तो फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं, आपको नहीं होगा।